हेलो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, कितना नंबर क्वेश्चन से? तो क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं और समझ लेते हैं एक बार क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है फ्रेंड्स, तीन बल्ब्स बी वन बी टू एंड बी थ्री आर कनेक्टेड टू द मेंस एज शोन इन फिगर 4.5। बोल रहा है क्या फ्रेंड्स कि आपके पास तीन बल्ब है। फिगर में देखिए, एक बल्ब, दो बल्ब, तीन बल्ब, एक बल्ब, दो बल्ब, तीन बल्ब। तो आपके पास तीन बल्ब है जो कनेक्टेड है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो 4.5 में। इफ बी थ्री इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सर्किट बाय ओपनिंग स्विच एस। बोल रहा है कि बल्ब जो थ्री है फ्रेंड्स, उसको हम क्या कर दिए, स्विच को ओपन करके इसको सर्किट से डिसकनेक्ट कर दिए। क्या कर दिए? डिसकनेक्ट कर दिए फ्रॉम द सर्किट बाय ओपनिंग स्विच एस। देन इनकैंडेंस ऑफ बल्ब बी वन विल बी। तो बोल रहा है फ्रेंड्स कि जब बी थ्री को हम स्विच एस ओपन करने के बाद डिस्कनेक्ट कर देते सर्किट से, तो बी वन का क्या होगा, इनकैंडेंसेंस में क्या होगा, मतलब इसका ये ज़्यादा जलेगा या कम जलेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसको समझने के लिए हमको टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट चाहिए और टोटल सर्किट रेजिस्टेंस चाहिए और टोटल सर्किट करंट चाहिए। तो हम टोटल सर्किट थोड़ा सा समझ लेते हैं। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, तो हम एक ये डायग्राम लिए फ्रेंड्स, ठीक है, इससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि यहाँ ऊपर वाले फिगर में क्या हो रहा है। मान लीजिए अभी हम क्या कर देते हैं, स्विच को, मान लीजिए थोड़े देर के लिए स्विच को हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो हम देखना चाहते हैं कि अगर यही सर्किट है, इसमें रेजिस्टेंस का मान मान लेते हैं अभी 2 ओम 2 ओम 2 ओम है और स्विच अभी हमारा क्लोज्ड है, तो हमारा टोटल सर्किट रेजिस्टेंस क्या होता है। हम निकालते हैं टोटल सर्किट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये निकालते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आर टी बराबर निकाले तो आप देख सकते हो कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपस में कैसा है, पैरेलल है जब हमारा स्विच क्लोज्ड है। तो 2 ओम पैरेलल विथ 2 ओम, 2 ओम पैरेलल विथ 2 ओम प्लस 2 ओम। तो हमारा आर टी क्या हो गया, 2 गुना 2 बाय 2 प्लस 2 प्लस 2। तो आर टी बराबर हो गया 4 4 प्लस 2, इसको काट दिए तो 1 प्लस 2, ये हो गया 3 ओम, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा आर टी कितना आ गया, 3 ओम आ गया। इस तरह से जब हमारा सब रेजिस्टेंस है और स्विच हमारा क्लोज है, तब 3 रेजिस्टेंस आया, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक कंडीशन क्या करते हैं, अब एक कंडीशन बोलता है कि स्विच ओपन करके देखने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं फ्रेंड्स, स्विच को ओपन कर लेते हैं, स्विच को क्या कर लेते हैं, ओपन कर देते हैं। अब हम टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो देखो, अब अगर हम टोटल सर्किट रेजिस्टेंस आर टी निकालें, तो अब हमारा देखो यहाँ फिगर में देखोगे कि ये स्विच यहाँ से ओपन हो गया, तो इस रेजिस्टेंस का, इस 2 ओम रेजिस्टेंस का अब इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें करंट नहीं फ्लो होगा, तो इस रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं होगा। तो हमारा सर्किट अब क्या है, सिर्फ यहीं तक है ना फ्रेंड्स। और ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में है। तो देखो 2 ओम प्लस 2 ओम हमारा क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब है, देखिए पहला केस में, यहाँ पर देखिए पहला केस में रेजिस्टेंस कितना है, जब स्विच हमारा क्या है, क्लोज है, तो हमारा रेजिस्टेंस का मान क्या आ रहा है, 3, ठीक है। और ये किसका है, जब हमारा स्विच ओपन है, तो हमारा रेजिस्टेंस का मान आ रहा है 4। तो इसका मतलब क्या हुआ है,
कि रेजिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ गया है यहाँ पर। तो इसी तरह का अब इसमें भी आप समझ सकते हो, इस फिगर में आप देखो, मैं इसको थोड़ा साफ करता हूँ। तो देखो इस फिगर में आप समझ सकते हो कि जब ये बल्ब का काम यहाँ से ओपन कर दिए, जब ये बल्ब को हम ओपन कर दिए, तो ये बल्ब का खत्म, तो क्या हुआ, इस बल्ब को खत्म करने से रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या हुआ, यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ये जो इस बल्ब के और इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस हमारा क्या हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बढ़ गया। तो रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, देखो यहाँ पर, यहाँ से समझते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बढ़ेगा तो हम जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं फ्रेंड्स, कि पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है। तो जब आर बढ़ गया तो पी क्या होगा, घटेगा, तो हमारा पी घटेगा, तो इस लैम्प का क्या हुआ, पावर घटा, तो इसका ग्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए क्या हो रहा है, पूछ रहा है, तो बी वन क्या होगा, हम यहाँ थोड़ा लिखते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्या हुआ यहाँ पर, हमारा आर बढ़ा सर्किट में, सर्किट रेजिस्टेंस, तो हमारा क्या हुआ, पी घट गया। तो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, कि द इनकैंडेंसेशन ऑफ बल्ब बी वन विल डिक्रीजेज, क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा, बल्ब का ग्लो करना का थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर, तो हम लोग फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 15 पर। ठीक है फ्रेंड्स, 15 पर। तो आइए क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं और समझ कर सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा है, यू आर गिवेन द फॉलोइंग्स इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, आपको पास कुछ क्या के क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस दिया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें से देखिए, जैसे एक हीटर दिया जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक केटल दिया जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब दिया जा रहा है, उसका पावर रेटिंग और वोल्टेज सप्लाई, मतलब उसका वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज दिया गया है तीनों का। ठीक है फ्रेंड्स, तो बोल रहा है विच ऑफ दीज हैज द हाइएस्ट रेजिस्टेंस, इस तीनों में किसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सब काम को क्या है, रेजिस्टेंस निकालना होगा पावर और वोल्टेज के रिस्पेक्ट। तो चलिए हम पहले लेते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए, इलेक्ट्रिक हीटर के लिए। तो हम यहाँ लिखते हैं फोर इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इलेक्ट्रिक हीटर लेते हैं तो इसके लिए जो पावर दिया हुआ है वो दिया 1 किलो वाट, और आपका जो वोल्टेज दिया हुआ है इसके लिए, ये दिया हुआ 250 वोल्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसको रेटिंग दिया हुआ है पावर और वोल्टेज का। तो इसके मदद से हम क्या करते हैं, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, छोटा सा फॉर्मूला है फ्रेंड्स, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कि पी बराबर वी स्क्वायर बाय आर होता है ना फ्रेंड्स। तो बस इसी पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, पी का 1 किलो वाट बराबर वी स्क्वायर का 250 गुना 250 बाय, और यहाँ पर हो जाएगा इसका आर, मान लेते हैं हीटर है तो एच ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो आर एच हो गया इधर, और 250 गुना 250 बाय 1 किलो वाट, तो आर एच बराबर क्या हो जाएगा, 250 गुना 250 बाय 1000 वाट हो गया। ठीक है, किलो वाट को वाट में बदल लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो इससे एक जीरो खत्म, इससे एक जीरो खत्म, ये
2-0 इधर खत्म, कट गया फ्रेंड्स। तो हमारे पास बता बचा क्या, आर एच बराबर 2 5 गुना 2 5 बाय 10। इससे 5 से काट दो इसको 5 बार में, इसको काट दो 2 बार में, तो हमारा बचा 25 गुना 5 बाय 2, बच गया फ्रेंड्स। तो जब इसको आप गुना करोगे आर एच बराबर, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, गुना करने पर करोगे तो हो जाएगा 25, हाथ में 2 10 12 2, ठीक है फ्रेंड्स, इतना आ जाएगा। जब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 6 बार में 2 बार में 0.5 बार में, ठीक है, इतना इतना ओम आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपका ओम आ जाएगा रेजिस्टेंस का वैल्यू, ठीक है। 6 12 4 1, हाँ ठीक है, इतना ओम आ जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ हीटर का। एक का तो निकाल लिए, अब दूसरा निकालते हैं। अब निकालते हैं, मान लीजिए और इलेक्ट्रिक केटल का निकालते हैं, तो जिसका पावर दिया हुआ है कितना 1 किलोवाट, और वोल्टेज दिया हुआ है कितना 250 वोल्ट्स दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए भी हम जानते हैं फॉर्मूला, वही सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं हीटर वाला। तो वी नो डैट पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, तो क्या हो जाएगा, हमको आर निकालना है, यहाँ पर केटल मान लेते हैं, और वी स्क्वायर बाय पी हो जाएगा, वी स्क्वायर मान रख देते हैं बाय क्या हो जाएगा 1 किलो, ठीक है फ्रेंड्स। तो केटल का क्या आ जाएगा, 2525 गुना इतना, और किलो को हम वाट में बदल लिए फ्रेंड्स, तो 1010 यहाँ ख़त्म, तो ये होगा 625 बाय 10, ठीक है फ्रेंड्स। तो आर के बराबर क्या आ गया, तो रेजिस्टेंस ऑफ केटल क्या आ गया, 25 ओम, ये आ गया फ्रेंड्स। ये भी हम निकाल लिए, केटल का भी रेजिस्टेंस निकाल लिए। अब तीसरा निकालते हैं, तीसरा निकालते हैं फोर इलेक्ट्रिक बल्ब निकालते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इलेक्ट्रिक बल्ब निकालने के लिए क्या है, पी इक्वल टू 1 किलो वाट, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर भी दिया हुआ है ना आपको, तो भी बराबर दिया हुआ है 250 वोल्ट्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो अब आप लिख ही लोगे, तो वही सेम फॉर्मूला यहाँ लगा लेते हैं, डायरेक्ट करते हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा, वी स्क्वायर बाय आर, और आर यहाँ पर क्या है बल्ब है, बल्ब का निकाल रहे हैं, तो इस फॉर्मूला को चेंज कर लेते हैं, वी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पी हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे आप जब वैल्यू पुट करोगे, तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इक्वल टू 250 गुना 250 बाय पी का मान दिया हुआ है यहाँ पर भी 1 किलो वाट, ठीक है, सबका वैल्यू रख दिए। रखने के बाद क्या है, आर भी बराबर क्या होगा 2 5 गुना 2 5 100 बाय 1000, 2 0 यहाँ से ख़त्म, तो का बचा आर भी बराबर 625 बाय 10, तो 62.5 ये हो गया, ये हो गया ओम, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा ये तीनों का रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, तो तीनों का रेजिस्टेंस देखिए एक बार यहाँ पर हम लोग एक साथ में लिख लेते हैं, तो हीटर का भी रेजिस्टेंस कितना आया 62.5 ओम, और रेजिस्टेंस ऑफ केटल कितना आया 62.5 ओम, और रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कितना आया 62.5 ओम। तो कहने का मतलब है क्या, सब का रेजिस्टेंस क्या हुआ है, सेम आया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आप लगा सकते हो, तो यहाँ पर आप ऑप्शन अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो।
ऑप्शन आप कौन सा लगाओगे फ्रेंड्स, तो फोर्थ नंबर हो जाएगा कि ऑल हैव इक्वल रेजिस्टेंस, सबका रेजिस्टेंस क्या है बराबर आया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग फिर आपसे मुलाकात होगी हम दोनों की। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो कमेंट जरूर करें, लाइक एक लाइक जरूर करके जाए फ्रेंड्स, क्योंकि आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और आप अगर न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।